65वां स्थापना दिवस मना रहा है जोधपुर। मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग की मान शाही परकोटे के चौक में। इसे आयोजित किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें मुख्य अतिथि हैं, जो कि अभी पहुंच चुकी हैं। दीप प्रज्वलित करने के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूर्व नरेशगढ़ सिंह समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पीएस भाटी भी विशिष्ट अतिथि हैं। मारवाड़ की 19 प्रतिभाओं को आज मारवाड़ रत्न सम्मान मिलने वाला है, तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी मारवाड़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। श्री कालूनाथ जी कालबेलिया और इनारो पूरो ग्रुप जोरदार तालियां सु इनारो अभिवादन कर दी रहो। मारवाड़ की 19 प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस प्रतिभागियों में शामिल है, क्योंकि आज उनको भी मारवाड़ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे ब्लू सिटी, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर यहाँ पर घर नीले रंग से रंगे हुए हैं और ये मुख्य समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजीव, इंतजार किया जा रहा था कि थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री पहुंच चुकी हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं, अब आगे क्या रूपरेखा है इस समारोह की? पूनम, जिस तरीके से जोधपुर के स्थापना दिवस में भाग लेने के लिए खासतौर पर ट्रेन से स्मृति ईरानी पहुंची है, थोड़ा सा पहुंचने में विलंब जरूर हुआ, कार्यक्रम में पधार चुकी हैं और कुछ ही देर में जो कुछ अवार्ड रहे हैं वो अवार्ड देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की माता पिता दोनों हैं, मारवाड़ रत्न का प्रमुख पुरस्कार उनको दिया जाना है। उसके अलावा कुछ पुरस्कार दिए जाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। कालबेलिया जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। पूर्व महाराजा गर्ग सिंह की बात करें, हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पी एस भाटी की बात करें, पहुंचे कुछ देर पहले जो क्रिकेटर रवि बिश्नोई है उनको अवार्ड किया गया मारवाड़ रत्न, जिनके पिताजी ने अवार्ड ग्रहण किया है। ऐश्वर्या भाटी जो की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जोधपुर की बेटी है, आगे नाम रोशन कर रही है, तो उनको अभी थोड़ी देर पहले उनको भी सम्मानित किया गया। विभिन्न हैंडीक्राफ्ट की बात करें, कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, चित्रकारी की बात करें, अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है और कुछ देर में कुछ और प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संबोधन भी होगा और निश्चित रूप से राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर जो है उसके क्षेत्र का भव्य आयोजन विषय होता है। जी बिल्कुल, बेहद खास तस्वीरें हम देख पा रहे हैं क्योंकि अभी रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कालबेलिया नृत्य यहाँ पर पेश किया जा रहा है, बेहद खास है। पहले जैसे आपने बोला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी सम्मान किया जाएगा, उनके माता पिता पहुंच चुके हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई? देखिए इस वक्त जो अवार्ड वहाँ बस विराजमान है, अभी कार्यक्रम है, कुछ देर बाद में वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे। लेकिन एक गर्व होता है कि जो बेटा जोधपुर में बड़ा आईएएस बना और लंबे समय तक आईएएस करने के बाद में आज जब केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर विराजित, तो समझा जा सकता है कि किसी खुशी जोधपुर वासी। बिल्कुल, उसके अलावा मारवाड़ का उनको सम्मान भी दिया जा रहा है, इतना बड़ा सम्मान, वो भी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर। आप बने रहिएगा हमारे साथ, ये दर्शकों को बेहद खास तस्वीरें दिखा देते हैं इस मुख्य समारोह की।